एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने फिल्मों में छोटी छोटी भूमिका निभाकर अपनी बड़ी पहचान बनाई। जिनकी मुस्कराहट सभी का दिल जीत लिया करती थी और वो अभिनय के दम पर अपने दौर की बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी टक्कर देती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने संजीव कुमार के साथ जोड़ी बनाए और उन्हीं के साथ कई फिल्मों में काम किया। सो जा सनम, तेरी जवां पलकों तले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 60 और 70 के दशक की यह अभिनेत्री कभी एक फुल टाइम हीरोइन के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाई। खुल गया एक साल फिर तन मन के रंग में महके। क्या आप सोच सकते हैं कि यह फिल्मी अदाकारा 2 दशक तक फिल्मों में काम करने के बावजूद एक गुमनाम सितारा बनकर रह गई। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा दौर भी आया जब लोग उनसे मिलने के लिए उनके पास आते तब यह अभिनेत्री अपनी पहचान छिपाकर भाग जाती थी। नहीं दादी, इतना नीच काम आप कभी नहीं कर सकते। कौन थी यह बदनसीब अभिनेत्री? क्या था इनका असली और फिल्मी नाम? क्यों उन अभिनेत्री के चेहरे की तुलना आज भी लोग कैटरीना कैफ से करते हैं? उस दौर में बॉलीवुड में काम करने वाली अभिनेत्रियां भले ही आज उम्र के उस पायदान पर पहुंच गई हैं, जहां उनकी खूबसूरती ढल गई है, लेकिन यह अभिनेत्री जब तक फिल्मों में आई हमेशा पर्दे को अपनी खूबसूरती से चमकाती रही। क्यों यह अदाकारा अपनी गजब की सुंदरता और मासूम चेहरे के बावजूद अपने स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाई? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं काम्या अग्रवाल। दोस्तों वैसे तो 1960 और 70 के दशक की फिल्मी दुनिया में बहुत सी अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपना दमखम दिखाया। इनमें मधुबाला, मीना कुमारी और वहीदा रहमान से लेकर मुमताज, रेखा, परवीन बॉबी और जीनत अमान जैसी कई हीरोइनें शामिल थी। उसी दौर में एक ऐसी हीरोइन भी रही जिन्होंने छोटी छोटी भूमिकाओं के दम पर ही ऐसी पहचान बना ली कि हर कोई उनका फैन हो गया था। Ladies and gentlemen, please be quiet, Miss Rekha will oblige us with a song. Give her a hand, folks. ये हीरोइन थी लीबी राना यानी निवेदिता, यह इनका फिल्मी नाम था। गाल में पड़ने वाले डिंपल और गजब की मुस्कुराहट से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था। वे फिल्मों में हमेशा साइड रोल में दिखाई दी लेकिन बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी टक्कर दी। आपको आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मगर लगता है मेरे बारे में काफी कुछ मालूम हो चुका है। निवेदिता के निजी जीवन के बारे में फिल्म मैगजीन और मीडिया पर भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि इस अभिनेत्री का जन्म कब और कहां हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम था। यह अभिनेत्री एक फिल्म जगत का धुंधला सितारा बनकर रह गई। नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर। लीबी राना का फिल्मी सफर वर्ष 1961 में बनी पंजाबी फिल्म विलायत पास से शुरू हुआ था। नमस्ते जी। सत श्री अकाल। है जय हिंद। जय हिंद। ए कमरा अजीत का है, आपका नाम शील है? संभवतः वो विलायत में ही पली बड़ी थी क्योंकि उनके बोलने का लहजा पूरी तरह विलायती था। तुम क्या करता? मैं सिरे से स्वा पानिया पई, मैं भी पाऊंगा लफड़ पा स्वा। तुम किधर जाता? मड़िया नीचे, हम भी जाए। उन्होंने फिल्म में छोटा सा रोल किया था। फिल्म में यह अपने दूसरे और फिल्मी नाम निवेदिता से पहचानी गई। इस फिल्म के गाने शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाए थे। इसके
के बाद वो नजर आई 1964 में रिलीज फिल्म शगुन में। आपको मेरा ख्याल नहीं, हमेशा अपने फायदे का ख्याल रहा है चाचा जी। आपने मुझसे कहा तुम्हें बिल्कुल हिंदुस्तानी लड़की बन जाना चाहिए। इस फिल्म का निर्देशन नजीर हुसैन ने किया था। इसमें कमलजीत और वहीदा रहमान ने अभिनय किया था। यह वही कमलजीत थे जिन्होंने वहीदा रहमान से शादी की थी। गाने के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। सब फिल्म निर्माताओं को खासे पसंद आने वाले खयाम साहब फिल्म के संगीतकार थे और इस गीत में आवाज उनकी पत्नी जगजीत कौर जी की थी। लेबी राणा उर्फ निवेदिता पर इस गाने को फिल्माया गया था। देखने वालों की नज़र एक पल के लिए उनके चेहरे से हटती नहीं है। गालों पर डिंपल और खिलखिलाती मुस्कान वाली लेबी राणा का चेहरा रोशनी और छाया में चमकता था। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो इस फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था। साल 1965 की फिल्म तू ही मेरी जिंदगी जिसको आर मुखर्जी ने बनाया था। इस फिल्म में लेबी राणा उर्फ निवेदिता को देव मुखर्जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म का एक गाना भी निवेदिता पर फिल्माया गया था जिसे आशा भोसले ने गाया था। इस गाने में लेबी राणा की खूबसूरती देखते ही बनती है। 1968 में फिल्म फरिश्ता में अभिनेता देव कुमार और निवेदिता ने साथ काम किया। हालांकि फिल्म ज्यादा सफल नहीं हो सकी लेकिन निवेदिता का प्रभाव एक अरसे तक दर्शकों पर बना रहा। साल 1969 में आई फिल्म बैंक राबरी में लेबी राणा उर्फ निवेदिता ने दोबारा देव कुमार के साथ फिल्म में काम किया। फिल्म के दो गाने बड़े लोकप्रिय हुए थे जिसके बोल थे सौ सौ के नोट पे ना जा, सौ सौ के नोट पे न जा, मेरी जान उलपट बड़ी चीज है। इस गाने को मोहम्मद रफी और कृष्णा काले ने गाया था। संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और गीत लिखे थे प्रेम धवन ने। लेबी राणा की साल 1969 में तीन और फिल्में भी रिलीज हुई। ये फिल्में थी सपना, ज्योति और धरती कहे पुकार के। खुल गया एक साल फिर तन मन के रंग में महके। फिल्म ज्योति में उन्होंने संजीव कुमार के साथ काम किया और उनके काम को काफी सराहना मिली। दोनों को इस फिल्म से पहचान मिलने लगी थी। जितेंद्र और नंदा की जोड़ी में बनी फिल्म धरती कहे पुकार के अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी। लेबी उर्फ निवेदिता को फिल्म में छोटी सी भूमिका में देखा गया। साल 1970 की फिल्म हवेली में निवेदिता शैलेश कुमार के साथ नजर आई मगर यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद साल 1973 में संजीव कुमार के साथ बनी रोमांटिक फिल्म रॉकी मेरा नाम लोगों को काफी पसंद आई। नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। फिल्म में लेबी राणा दो गानों में संजीव कुमार के साथ दिखाई देती हैं, मगर दुर्भाग्य से गानों के बोल उन पर नहीं फिल्माए गए हैं। सो जा सनम तेरी जवां पलकों तले। साल 1976 में लेबी राणा हिंदी फिल्मों के माने हुए हास्य अभिनेता महमूद द्वारा प्रोड्यूस फिल्म सबसे बड़ा रुपया में भी एक छोटी सी भूमिका में नजर आई। सर, मैंने सुना है कि आपकी नई सेक्रेटरी आने वाली है, आप हमको क्यों नहीं रख लेते? अजी आपको रख ले, रखने का मतलब जानती हैं आप। विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी जैसे बड़े कलाकारों के साथ फिल्म में काम करने का भी लेबी को खास फायदा नहीं हुआ। वैसे यह फिल्म काफी लोकप्रिय रही। इसके बाद लेबी राणा उर्फ निवेदिता ने फिल्मों से दूरी बना ली।
और फिर आखिरी बार 1978 में आई आईएस जौहर की फिल्म जलन में वो कॉमेडियन महमूद के साथ ही नजर आई। इस फिल्म में भी उनकी भूमिका छोटी सी ही थी। गोरों पे नंबर गोरे दिल के अरे काले होते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब लीबी पर बुरा वक्त आया तो लोग उनसे कन्नी काटने लगे। कभी जिस अदाकारा की अदाओं पर फिल्म दर्शक मर मिटते थे, एक वक्त ऐसा भी आया जब वो लोगों के सामने आने से कतराने लगी। अगर कोई उनको पहचान भी लेता कि यह वही लीबी राणा या निवेदिता है तो वह खुद उनसे नजरें चुरा कर भागने लगती थी। ऐसा ही एक वाक्या हुआ मशहूर फिल्म क्रिटिक खालिद मोहम्मद के साथ। दरअसल जब खालिद मोहम्मद सालों पहले लीबी राणा से मुंबई के होटल ताज में एक बुक शॉप पर अचानक मिल गए थे तो उन्होंने लीबी को तुरंत पहचान लिया। जैसे ही हिम्मत जुटाकर खालिद ने उनसे पूछा कि क्या वही एक्ट्रेस लीबी राणा है तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। पहले तो वो उनसे नजरें चुराकर भागने लगी और कहा कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कई बार पूछने पर लीबी की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने मान लिया कि वो ही वह गुमनाम अदाकारा है। फिर उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, मुझे फिल्मों में काम करने में काफी मजा आता था, लेकिन लोग तभी तक आपको सलाम करते हैं जब तक आपका सितारा बुलंद हो। ताज्जुब की बात है कि लीबी राणा जैसी एक्ट्रेस जो कभी लाखों दिलों पर राज करती थी, उन्होंने इस हाल में जिंदगी गुजारी। आपको बता दें कि वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपके पास लीबी राणा के बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें अवश्य बताइएगा। चलते चलते एक बात और, अगर आप इसी तरह की फिल्मी कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल कविता टॉकीज पर एक बार अवश्य आएं। वहां हम दिखाते हैं फिल्मों और टेलीविजन जगत की सुनी अनसुनी कहानियां एक अलग अंदाज में। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट काम्या अग्रवाल को इजाजत। नमस्कार।